कल्याणचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी आज लोकसभेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. क्लायमेट चेंजचा मुद्दा मांडताना शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानाचा कसा फटका बसतो हे त्यांनी सांगितलंय. गारपीट अवकाळीपासून शेतकरी हवालदिल चाललेला असताना त्यापासून संरक्षणाकरता म्हणून पॉलीहाऊस फार्मिंगमध्ये शेडचा पर्याय उपलब्ध आहे, परंतु तो शेतकऱ्यांना परवडत नाही. क्लायमेट रेसिस्टंट शेतीसाठी म्हणून पीक वैविधता आणि पॉलीहाऊस फार्मिंगसाठी कृषी कर्जाच्या माध्यमातून सरकार कोणत्या प्रकारची योजना आणण्याच्या विचारात आहे का, असा प्रश्न त्यांनी खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी सभागृहात उपस्थित केलाय, लोकसभेत उपस्थित केलाय. मुख्यमंत्री मोदी जी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि किसान सम्मान योजना के माध्यम से 6,000 रुपया देने की प्रावधान जो है उन्होंने किया, और उसी के साथ में अभी महाराष्ट्र ने भी उसमें अपना योगदान जो है देने का काम वहाँ पर किया है. नमो शेतकरी महासम्मान योजना के माध्यम से और 6,000 रुपया जो है किसान को देने का काम यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार कर रही है, जिससे 12,000 रुपया प्रति वर्ष किसान को मिलेगा और इससे महाराष्ट्र में 1 करोड़ से अधिक किसान को लाभ इसका होगा. मैं इस सदन का ध्यान जो है क्लाइमेट चेंज की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा, जिसमें एक उपयोगी तरीका है पॉलीहाउस फार्मिंग का, जिससे शेड के माध्यम से अतिवृष्टि और ओलों से फसलों को बचाया जा सकता है, लेकिन इसकी लागत या कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, छोटे किसान अफोर्ड नहीं कर सकते. भारत सरकार के हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा शेड नेट और पॉलीहाउस के लिए सब्सिडी दी जाती है जो 50% है, लेकिन जो पॉलीहाउस और शेड नेट की एवरेज कीमत है वो 45 लाख से 50 लाख तक होती है प्रति एकड़, जो छोटे और सीमांत किसान अफोर्ड नहीं कर सकते. सर, मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि छोटे और सीमांत किसानों को क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और पॉलीहाउस फार्मिंग करने के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट के माध्यम से प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है, और वर्तमान में शेड कंस्ट्रक्शन के लिए दिए जाने वाली सब्सिडी को भी बढ़ाने का कोई विचार जो है सरकार कर रही है क्या? पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा सब्सिडी की बात है, तो मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगातार इसमें हमारे किसानों की भी रुचि बढ़ रही है और किसान भी आकर्षित हो रहे हैं. और इसमें जैसा कि सब्सिडी है तो जो 50% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है, और इसके साथ ही उनको कैसे ऋण सुविधा से उपलब्ध हो सके इसके लिए हमारी 4-5 स्कीमें भी है, जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें चाहे छोटा किसान है चाहे बड़ा किसान है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है, और उसमें 3% इंटरेस्ट की ब्याज की भी छूट का प्रावधान है. ऐसे ही हमारे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से MIDH के तहत भी किया जा रहा है कि उसमें उनको सपोर्ट मिले, और इसके साथ ही RKVY योजना के साथ भी इसको जोड़ा गया है. लोकशाही मराठी, ऐका पहा जागरूक रहा.